हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल आर गुड। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक था हम लोगों का पावर अथॉरिटी। ठीक है, लास्ट क्लास हमने जब की थी, जब मैंने आपको पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड पॉलिटिकल कंट्रोल के बारे में बताया था। ठीक है, और आज का टॉपिक है पावर एंड अथॉरिटी के मेन। ये आपके चैप्टर चैप्टर थर्ड का आई थिंक टॉपिक है। ठीक है, सब्जेक्ट इज एंथ्रोपोलॉजी पेपर फर्स्ट। ओके स्टूडेंट्स, अगर किसी को कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है तो प्लीज आप लोग मेरे को व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई इशू नहीं है, व्हाट्सएप करिए आप मेरे को, कमेंट बॉक्स में, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट स्टिल आप लोगों को अगर कोई भी इशू है तो प्लीज़ आप वो टॉपिक क्लियर कर लीजिए करिए, क्योंकि वो डाउट के साथ कोई चैप्टर पढ़ना इट्स नॉट गुड। ठीक है, अगर आपको सीरियसली उस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो यू आर श्योर कि आप एक बार उस टॉपिक को क्लियर कर लीजिए, उस चैट को टॉपिक को क्लियर कर लीजिए, उस पॉइंट को क्लियर कर लीजिए जहाँ पे आपको ये दिक्कत आ रही है। ठीक है, और लास्ट चीज इज चैप्टर नंबर 4। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 एंथ्रोपोलॉजी पेपर नंबर फर्स्ट। चैप्टर नेम क्या है? पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड सोशल कंट्रोल। ओके बच्चे, ठीक है, आज का हमारा मेन टॉपिक और मेन पॉइंट ये है। तो फर्स्टली इंट्रो दूंगी, फिर हॉब्स क्या होते हैं, पावर एंड अथॉरिटी क्या होती है। बहुत लंबी पीपीटी है, जहाँ तक आप लोगों का क्लियर कवर हो पाएगा आज के लिए, इसमें ट्राई कि मैं वहां तक वो चीज पूरी क्लियर कर दूँ। ठीक है, इंट्रोडक्शन इज मैंने प्रीवियसली कंसिडर्ड पावर, यू हैव परहैप्स नॉट कंसिडर दैट इट कैन बी ब्रोकन डाउन इन ए सच ए वे। इन द वे ऑफ पावर इज यूज फॉर एग्जिस्ट इन ऑल टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज ए सेंट्रल टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिकल नॉट जस्ट इन द गवर्नमेंट परहैप्स इवन मोर इम्पॉर्टेंट इन फैमिली एंड द रिलेशनशिप ग्रुप्स टू द। ठीक है, ये चीज तो आपने खुद ने भी नोटिस करी होगी अपने फैमिलीज में या अपने जो भी आपके फ्रेंडशिप गोल्स होते हैं उनमें या फ्रेंडशिप ग्रुप्स होते हैं उनमें। ठीक है, देयर आर द नंबर ऑफ कंप्यूटिंग व्यू हाउ पावर एक्चुअली इट इज द समथिंग व्हाट आर द पर्सन कैन हैव समथिंग दैट कैन बी फिजिकली यूज्ड इट इज ऑलवेज यूज्ड इंटरनेशनली। ठीक है, हॉब्स का वर्ड का मीनिंग क्या है? हॉब्स इज ट्रेडिशनली व्यू ऑफ द पावर। हॉब्स का मतलब क्या है? द मोस्ट ट्रेडिशनल। गाइस मेरे गले में थोड़ा प्रॉब्लम है इसलिए आवाज का इशू आज हो सकता है। ठीक है, प्लीज उसको ध्यान मत दीजिए। द मोस्ट ट्रेडिशनल व्यू ऑफ द पावर इज दैट इट इज द फॉर्म ऑफ कंट्रोल ओवर ए पर्सन। ठीक है, इसमें कुछ कुछ ऐसे मेन मेन वर्ड्स हैं डेफिनेशन में, किसी वर्ड की मीनिंग में जो आपको हमेशा एक अपने माइंड में रखना है। जैसे हॉब्स का क्या बोला, मोस्ट ट्रेडिशनल व्यू ऑफ पावर। ठीक है, ए वे ऑफ फोकस फोर्सिंग ए पर्सन टू द अनदर पर्सन अनदर द वे ऑफ फोकसिंग वन पर्सन टू ओबे अनदर दिस कुड अदरवाइज इज टर्म्ड इज अ डोमिनेशन। ठीक है, domination. Hobbes had argued that in the state of a nature, we would all have power from over each other, meaning the most violent would be win. In order to escape from the tea, we would have to submit to the monarch. The king would have a power over us, would dominant have the ability to force like will upon us and get us to do thing we would not otherwise, but there is a price of the order.
हाँ बट दिस व्यू ऑफ द पावर, जो पावर का व्यू है द डोमिनेंट है, इज वेरी नैरो एंड रन इन टू द प्रॉब्लम्स दैट इन द अवर डेली लाइफ. ठीक है, पावर इज ओनली कॉमनली एक्सरसाइज थ्रू द एक्सेप्टेंस एंड विलिंग ओबीडियंस ऑफ द पब्लिक. नया लॉ क्या पास हुआ है, द न्यू लॉ आर पास एवरी डे, वी जनरली एक्सेप्ट देम. नए लॉ जो होते हैं पास हो जाते हैं हर दिन, ब्रिटिश. दिस इज बिकॉज दोज इन द पावर आर ऑल्सो इन द अथॉरिटी. ठीक है, कुछ चीजें ऐसी हैं आपको इसमें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं आई थिंक मुझे, वो मैंने लिखी जब है आप जो पीपीटी आपके लिए बनाई तो वो इतनी इजी है कि आप खुद एक बार रीड करेंगे तो वो थियोरटी जो थियोरटिकल चीजें होती है ना वो आपके माइंड में ऐसी सेट हो जाएंगे. ठीक है, नेक्स्ट इज ए पावर एंड अथॉरिटी. दोज इन द पावर डू नॉट पोजेस द एबिलिटी टू मेक टू कंप्लाय बट दे आर बट आर ऑल्सो थॉट टू हैव द राइट टू डू सो. दिस इज ए रियली इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन एंड देर इज अ डिफरेंस बिटवीन पावर और एबिलिटी. तो मैं सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करती हूँ पावर एंड अथॉरिटी में मेन डिफरेंसेस क्या होते हैं. फर्स्ट डिफरेंस इन द पावर के अंदर एक एबिलिटी होती है कि बना सके कुछ भी, द एबिलिटी टू मेक अस डू समथिंग. दिस मेन वर्ड इज एबिलिटी. एंड अथॉरिटी द राइट टू मेक अस डू समथिंग. तो इसमें अथॉरिटी में क्या हमारे पास वो राइट होता है कि हम किसी भी चीज को बना सके. ठीक है, तो ये मीनिंग्स हैं एबिलिटी एंड अथॉरिटी के, और ये डिफरेंस है किसके बीच में, अथॉरिटी और पावर के बीच में. तो पावर क्या है, वो एक एबिलिटी है टू मेक अस टू डू समथिंग, एंड अथॉरिटी क्या है, एक राइट है टू मेक अस टू डू समथिंग. ठीक है, तो ये था आपका पावर एंड अथॉरिटी का डिफरेंसेस बोलो या थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में उसके व्यूज बोलो. ठीक है, those in the power do not rely past the ability to make us comply but also thought to have a right to do us. ठीक है, ये कुछ चीजें हैं दो दो तीन तीन लाइन की. प्लीज स्टूडेंट्स आई जस्ट रिक्वेस्ट यू कि प्लीज आप इनको याद रखिए. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें भी तीन फेसेस आएंगे, जैसे अथॉरिटी के तीन क्लासिफिकेशन आएंगे अभी, वेबर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल क्लासिफिकेशन. ठीक है, फिर देश इसमें क्या है, ब्रिज बिटवीन द पावर एंड अथॉरिटी. यहाँ पे आके आपका ये पार्ट जो है वो पूरा खत्म होगा जब ये तीनों चीजें जो है वो फुली एक्सप्लेन कर दी जाएंगी अलग अलग पार्ट में. आई नो मैंने कोई कल क्लास अपलोड नहीं करी थी, आई एम नॉट फीलिंग वेल इस वजह से. ठीक है स्टूडेंट्स, really very sorry उसके लिए. Then start करते हैं अब this topic. उससे पहले आपका सारा कवर है, आपको जो भी चीजें मैंने आपको भी बताई हैं वो इन हिंदी में, मतलब मैंने हिंदी में करके ही अपने माइंड में फिर लैंग्वेज चेंज करके यहाँ पे लिखा है. तो प्लीज अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो रही है इसको पढ़ के समझने में भी तो आप मेरे को बता देना. बट मैंने एक छोटे छोटे फॉर्म में तो आपको बता दिया हॉब्स क्या है, ये ट्रेडिशनल व्यू है किसके, पावर का. ठीक है, मोस्ट ट्रेडिशनल व्यू ऑफ द पावर, कंट्रोल करते हैं पर्सन को, वन पर्सन टू अनदर पर्सन फॉर फोर्सिंग का काम, अदरवाइज इज द डोमिनेशन. ठीक है, ये सारी चीजें होती है. मोस्ट मीनिंग द मोस्ट वायलेंट वो डिविन. ठीक है, जो बहुत ज्यादा वायलेंट होगा वो जीत जाता है इन ऑर्डर टू एस्केप फ्रॉम द. फिर उसके बाद क्या है, हॉब्स हैड आर्ग्यूड दैट इन द स्टेट ऑफ नेचर वी वुड ऑल हैव द पावर फ्रॉम ईच अदर. ठीक है, तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं. नेक्स्ट इज दैट पावर एक्सरसाइज इन ए राइटफुल जस्टिफाइड एंड एक्सेप्टेबल मैनर. ठीक है, तो पावर की जो एक्सरसाइज है वो किस चीज में हो रही है, मतलब ये तीन मेन वर्ड हो गए आपके. वन इज ए राइटफुल, भाई चीजें बिल्कुल सही हो, जस्टिफाइड हो एंड एक एक्सेप्टेबल मैनर में हो. कोई भी चीज हो रही है,
कोई भी एक्सरसाइज है, पावर इज एक्सरसाइज है, या कुछ भी एनीथिंग ऐसा है, तो ये तीन चीज मेन वर्ड्स हैं इस डेफिनेशन के, आप याद रखिए बच्चे, राइटफुल, जस्टिफाइड एंड एक्सेप्टेबल मैनर, ठीक है। तो ऑल द पर्सन में हैव अथॉरिटी, ए होल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वुड रिगार्ड एज ए लेजिटिमेट, ठीक है। एक पर्सन को पूरी अथॉरिटी होती है कि वो जो गवर्नमेंट का पूरा सिस्टम है उसको एज ए रिगार्डेड कर सके। इज अ बेसिस ऑफ ए स्टेबल गवर्नमेंट, ऑल गवर्नमेंट सीक हाउ दे अचीव इट एंड कीप इट इज एसेंशियल टू द स्टडी ऑफ द पॉलिटिकल एंड हैज बीन सेंट्रल टू एवरीथिंग यू कैन स्टडी इन द मॉब स्टडीज, ठीक है। ये चीजें आप पढ़ सकते हैं। पहली बात क्या है, उनका मेन क्या है, गवर्नमेंट को स्टेबल करना, जितनी भी गवर्नमेंट है जैसी लगी वैसी, हाउ दे अचीव कीप इज एसेंशियल टू द स्टडी इज ए पॉलिटिकल, ठीक है। व्हाट इज द गोल्डन ट्राइंगल, द गोल्डन ट्राइंगल इज पावर, अथॉरिटी एंड लेजिटिमेंसी, ठीक है। ये किस चीज में आता है, गोल्डन ट्राइंगल। आज द गोल्डन ट्राइंगल दैट एवरी सिस्टम गवर्नमेंट और मैनेजमेंट, क्या बोलते हैं हम लोग, गोल्डन ट्राइंगल। पावर कैन बी एक्सर्टेड बाय एवरीवन बट अनलेस दैट पर्सन इज ए प्रिसाइड बीइंग इन अथॉरिटी एंड दे विल फेस द रिस्क ऑफ इट। यू कैन सी दैट वे दैट इज ए सिस्टम ऑफ पावर कैन अचीव अथॉरिटी बाय बीइंग सीन एज ए राइटफुल, ठीक है। ये कुछ चीजें थी या कुछ पॉइंट थे किसको गोल्डन ट्राइंगल तीन के बीच में मैं आपको बता चुकी हूँ और मैंने यहाँ पे आपको बना के भी दिखा दिया। किसी को अगर अभी भी दिक्कत है तो भाई गोल्डन ट्राइंगल ये है जिसमें पावर, अथॉरिटी लेजिटिमेसी, ठीक है। क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो पूरा सिस्टम है गवर्नमेंट का या मैनेजमेंट शिक्षा इन्हीं से रिलेटेड होता है, ठीक है। पावर कैन बी एक्सटेंडेड बाय एनीवन, ठीक है। पर्सन इज प्रिसाइड ब्रिंग इन द अथॉरिटी एंड फेस इज ऑबिडेंस, ठीक है। लेजिटिमेसी क्या है, सीन इज दैट वे दैट आर द सिस्टम ऑफ पावर कैन अचीव अथॉरिटी बाय यूजिंग बाय बीइंग सीन एज ए फ्राइटफुल, ठीक है। पावर, पावर विद द थ्री फेसेस, इसमें दिया हुआ पावर के कितने थ्री फेसेस हैं जिसको भी हम क्लियर करेंगे, ठीक है। ऐसी पावर है, देन उसके बाद ऐसी अथॉरिटी का पूरा एक आपको एक्सप्लेनेशन है, फिर लेजिटिमेसी का एक्सप्लेनेशन है, फुल एक्सप्लेनेशन है आज की क्लासेस में। उसके बाद में अगर आपके को तब भी कुछ नहीं समझ में आता है इन सब के बाद में, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके चीज़ें क्लियर आउट कर सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, और इसमें कुछ नहीं बचा है बच्चे, एक आपका ये बचा है सोशल कंट्रोल एंड लॉ जस्टिस इन द सिंपल सोसाइटी, ठीक है। मैं ट्राई करूंगी कि कल की क्लास में मैं ये भी चीज़ कंप्लीट करवा दूँ, सोशल कंट्रोल एंड लॉ ऑफ जस्टिस इन सिंपल सोसाइटीज, ठीक है। देन उसके बाद आपका ये चैप्टर जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि एक तो आपके पूरे सिलेबस में, मतलब पेपर फर्स्ट एंथ्रोपोलॉजी के सिलेबस में सब कुछ थियोरेटिकल ही है, मतलब थियोरेटिकल तो थियोरेटिकल फाइन कुछ नहीं, बट पूरी अब बहुत ही वो है, ठीक है, जो कभी कभार बच्चों के लिए बहुत बोरिंग लग पड़ जाती है, बट आई नो सिलेबस तो हमें कंप्लीट करना ही है कैसे भी ना कैसे करके, तो इसलिए मैं आपको अब कंप्लीट करवाऊंगी। इसके बाद कास्ट सिस्टम इन इंडिया, नहीं कास्ट सिस्टम इन इंडिया तो कंप्लीट ही नहीं हो सकते क्योंकि वो पेपर सेकंड का वो टॉपिक है। इसके बाद मैं आपको क्लियर कर कंप्लीट कराऊंगी इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें मीनिंग एंड स्कोप एंड रेवलेंस ऑफ द एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है।
फिर डिबेट, प्रिंसिपल गवर्निंग प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज, ठीक है, ये सब चीज़ें मैं आपको कंप्लीट करूँगी। तो पहले ये लेक्चर कंप्लीट हो जाए, मोस्ट प्रोबेबली कल की क्लास तक ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, देन उसके बाद हम वो स्टार्ट करेंगे। फिर ट्राई की अगली बार से कोई भी क्लास गैप ना हो, कल एक क्लास गैप हो चुका है, कल तो मेरी बिल्कुल भी मेरी बॉडी में तो स्टेमिना ही नहीं था कि मैं पूरी अपनी क्लास कर पाऊँ, इसलिए ट्राई की आपका आगे से कोई लॉस ना हो, क्योंकि डेली क्लास डेली रिकॉर्ड हुई क्लासेस आपके पास जाती रहती हैं, तो इतना तो है कि कम से कम आप उसको देख के थोड़ा बहुत पढ़ने की कोशिश करते हैं, अगर वो भी छूट गया तो वो भी पढ़ना बंद कर देंगे आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज पावर के तीन फेजेस, ल्यूक्स एनालिसिस ऑफ द पावर, ठीक है, वी रिलाई ऑन द स्टेफन ऑन द पॉलिटिकल फिलोसोफर फ्रॉम द दिस। He brought together previous work on power is has in his first two phases, but notice that previous thinkers has missed out a huge area of influences in our life. This is when he came with the radical view of the power is a third phase. Okay, ठीक है, you will need to able to summarize the थ्री फेसेज एंड गिव द एग्जाम्पल। इसमें आपको तीन फेसेज बताए जाएंगे और उसके साथ में एग्जाम्पल एक्सप्लेन किया जाएगा। यू आर ए हाईली क्रेडिट इन पॉलिटिकल फ्रॉम बींग एबल टू सी गिवन एग्जाम्पल दैट हैव स्पेंड हंड्रेड ऑफ ईयर, यू डू नॉट हैव टू डिटेल जस्ट ड्रॉप इन दिस वेयर वेन देयर, यू विल एबल टू बी मच मोर डिटेल इन योर एग्जाम्पल फ्रॉम द यूके एंड द चाइना टूडे। फर्स्ट फेसेज क्या है, डिस्कशन मेकिंग, सेकेंड फेज इज सेटिंग एंड थर्ड फेज इज थॉट कंट्रोल, ठीक है, ये तीन टाइप के फेजेस होते हैं। ये कब आया, ये दिस कम फ्रॉम द होप्स व्यू, जब होप्स व्यू आया तब इनका भी जन्म हो गया। पावर इज द एबिलिटी टू ऑफ एन एजेंट टू इफेक्ट द बिहेवियर ऑफ द पेशेंट। ऑब्वियसली ये जनरल चीज है, पावर इन्वॉल्व बिंग पुश्ड और पुल अगेंस्ट वन विल, ठीक है, और हाउएवर In this first phase, power does not just have to be exerted by one person to the two or the group of the person. Robot comes from the pluralist view. The power is extended by a lot of different groups and that there is not a one of all power elite. Carried out the famous studies on local government across America, looking at how often the different groups got their ways and discovered that no one group seemed to get their way all the time. However, this still does view power as bring not on the discussion that are made that affect the pupils, getting others to do, affect what to do to their otherwise. ठीक है, ये फर्स्ट फेज है, फर्स्ट फेज जो है वो खाली डिस्कशन मेकिंग है, आप उसको डिस्कशन मेकिंग में ले सकते हैं, ठीक है बच्चे, मैं एक बार कैमरा चेक कर लूं, यस ऑल थिंग फाइन। सेकंड फेज इज सेटिंग, डिफाइन द पावर एज ब्रिंग ओनली अबाउट द मेकिंग डिसीजन, बिगिन टू सी एज अ सिंप्लिसिटी। If we only measure the power when we see it exercised, then we will fail to see where power may exit but not exercise. Group may have the capacity to interview in the discussions but decide not to. Some group may be feel that decisions are not going to affect them, so stay out. For example, an arm manufacturing company will not step into a debate about the education system. I agree. ठीक है, ये क्या है, डिफाइन पावर ब्रिंग ओनली अबाउट मेकिंग द डिसीजन, ठीक है, बिगिन टू सीम थ्रू द सिंपलिसिटी से, ठीक है। वी मेजर द पावर, जब मेजर करेंगे पावर को, व्हेन वी सी दैट द एक्सरसाइज देन वी फेल सी फ्रॉम द पावर में एग्जिस्ट विदाउट विद बट नॉट बी एक्सरसाइज, ठीक है। ग्रुप में हैव अ कैपेसिटी टू इंटरव्यू इन द डिसीजंस बट नॉट डिसाइड नॉट टू डू, ठीक है।
उनके अंदर ये होता है कि वो ऐसी चीजें कर सके बट वो डिसीजन नहीं ले सकते। सम ग्रुप जो होते हैं वो फील करते हैं दैट वी डिसीजन आर नॉट गोइंग अफेक्ट देम, सो सम स्टे आउट। ठीक है, सम इशू आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू द पॉलिटिक्स व्हाइल अदर आर ऑर्गेनाइज्ड आउट ऑफ द इट। ठीक है, पावर क्या एक एबिलिटी है टू सेट द पॉलिटिकल, टू डिसाइड व्हाट इज डिस्कस एंड परहैप्स इवन मोर इम्पोर्टेंटली व्हाट कैन नॉट बी डिस्कस। Tony used for the power in the cabinet. He set the dart to think so things like the war and Arica is not be discussed. Other matters must be taken from the political agenda. बोल सकते हो। The dominant value in the country, the vested interest of some groups. No major party is suggesting we raise the taxes. Or just ride of the private property. Nationalize the bank, equally nobody is suggesting he get the ride of the NHS. Second phase kya power ka settings means the pressure groups that represent the well and form rich and most political active stand a better chance of shaping the political than the groups such as the unemployed, homeless, and who have less political capital. You should remember this form of the political topic last year, the pressure group. Kya hai wo? Pressure. Third phase is the thought control. Kis tarah phase kya hai? Thoughts ko control karna. The new contribution also needs a radical view of the power. Theek hai? No human being possesses an entirely independent mind. The ideas, opinions, and preferences all are structured and shaped by the social experience. Through the influence of the family, peer group, school, workshop, mass media, political properties are called high word. This is an idea that all are shaped by the world we live in, take care, the norms of our culture. We will accept the certain values without the questions. Like a murder, physical, mental, sexual abuse are all the bad. Pay taxes, do not steal, cover your mouth when you cough. Take care. We label anyone who does not as a criminal or just insane. He have seen the people benefit from these norms. This is the social contract. More than this, we have seemed to accept the system of the capitalism. Without the question, private property, keeping profit, etc. Even we, many of us, to do not benefit for it is not as free. इनका क्या एक argue है that the advanced industrial nation control the citizen through the manipulation of the need more made possible by the modern technology. This is the basic idea that we all are the capitalism and the stuff we giving keeps working. He never quite happy because advertising keeps showing us more stuff. I will identify be happy when I got my iPhone, okay? iPhone 5, but I need a new sofa. I will happy when I get it. Now iPhone 6 is out. The more we get, the more we need. जितना ज़्यादा आप लोगे उतनी ज़्यादा आपकी ज़रूरतें बढ़ेंगी. It's a reality. We will need. We only really need the food, water and the shelter. ये सब चीजें जो हैं, I know कि भाई phones वगैरह की need होती है, ठीक है? But mainly हमारी in a life, हमारी day to day life में mainly किस चीज़ की ज़रूरत होती है, हमें किस चीज़ की need होती है? खाना, कपड़े और मकान. हिंदी movie थी ना? ऐसा कुछ word पे खाना, कपड़ा, मकान करके I think मुझे ऐसा कुछ याद आ रहा है. मैं श्योर नहीं हूँ किस मूवी को लेके क्योंकि मैं मूवीज ज्यादा नहीं देखती हूँ तो फाइनल नहीं है. बट हाँ, जैसे इन्होंने इसमें एक्सप्लेन किया कि विल डिफाइन वी हैप्पी वी गॉट माय आईफोन 5 बट आई नीड ए न्यू सोफा. उनको ले लिया, वेरी हैप्पी, बट उनको किस चीज की जरूरत थी? एक सोफे की जरूरत थी. आई विल बी हैप्पी व्हेन आई गेट देम एंड नाउ द आईफोन 6 इज आउट. तो ये फोन्स हुए या कुछ ऐसी चीजें हुई. आई नो कि इन सब की रिक्वायरमेंट हमारी लाइफ, डे टू डे लाइफ में बहुत ज़रूरी है, बट स्टिल कुछ चीज़ें जो होती है ना, उनको हमेशा फर्स्ट रखना चाहिए. अगर आप उस टाइम पे वो एक नया सोफ़ा ले लेता
वो भी उससे भी बहुत खुश होता, कम से कम वो चीज अपग्रेड तो नहीं होती है इतनी जल्दी। आई नो सोफाज अपग्रेड ग्रेट होते हैं, बोलेंगे नहीं मैम सोफे अपग्रेड होते हैं, आई नो वेरी वेल बच्चे सोफे अपग्रेड होते हैं, बट जितनी जल्दी मोबाइल फोन आपके अपग्रेड होते हैं ना, उतनी जल्दी कभी भी कोई भी सोफा अपग्रेड नहीं होता। ठीक है, नो बडी सीम टू रियली क्वेश्चन दिस, वी विल जस्ट वॉन्ट स्टफ एंड हियर इज ए ल्यूक रेडिकल व्यू। ए सोसाइटी विदाउट द ओपोजिशन मे बी द एविडेंस ऑफ द सक्सेस द प्रोसेस ऑफ द इंटरप्रिटेशन एंड द फिजियोलॉजिकल कंट्रोल। पीपल आर ब्लाइंड फ्रॉम देयर रियल इंटरेस्ट ही कॉल डिफरेंस बिटवीन द सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव इंटरेस्टेड। View would we argue that is impossible to say that the people felt need not for the real need without the understand of the truth who against which is judge them. How it is possible to prove that someone is really interesting and is just a most exciting view. Solution of this problem, people real interest are what they would want and prefer, they will be able to make a choice. Only functional and autonomous to individual are capable to make judgmental. ठीक है, यही टाइप के कुछ पीपल्स होते हैं जो हर चीज में थोड़े जजमेंटल होते हैं, या वो ऐसा वर्क क्रिएट करते हैं। इट्स वेरी नाइस, इट्स नॉट ए बैड थिंग। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका अथॉरिटी। अथॉरिटी में देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ वेबनार क्लासिफिकेशन जो हम बाद में पढ़ेंगे। ये क्या, व्हाट इज सेंस अथॉरिटी इज अ फॉर्म ऑफ द पावर। ये भी एक फॉर्म, पावर का ही फॉर्म है। इट मींस विद थ्रू व्हिच वन पर्सन कैन इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ द अनदर पर्सन, बट पावर एंड अथॉरिटी आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम ईच अदर इन सम वे फ्रॉम सम वे इज अपोजिट वे एंड थ्रू व्हिच कैन बी गेट टू द अनदर टू एक्ट। Somewhere can power be described as the ability to influence the behavior of another. Authority can be understood as a right to do. ठीक है, ये एक normal difference है जो आप समझ सकते हो। Power bring about the through the threat, violence, ये सब चीजें। And authority on the other hand, he based upon the precise right to rule. It is based on what other people think. दूसरे लोग क्या सोचते हैं? And is bring about the compliance through the normal moral obligation and a duty to obey. ठीक है, so for the authority is not even the essential, it is that is the is obeyed, only that it should be obeyed. The example in this book is a teacher can be said they have the authority to demand the homework. Even if people are the failed candidate, nobody has actually questions the right of the teacher to demand it. As long everyone accept the right and the teacher is authority. Very सही, बहुत सही, बहुत ही सही example है। और आजकल के students तो online studies में भाई गजब है, मतलब आप लोग तो भी बहुत बड़े हैं। ठीक है, तो आप लोग चीजों को समझ सकते हैं, पढ़ने के तरीकों को आप अपने आप को चेंज कर सकते हैं जिस हिसाब से आपको पढ़ना है। ठीक है, बट जो बच्चे छोटे हैं स्कूलिंग में, अरे मैं छोटे भी क्या बोलूँ, ट्वेल्थ तक के भी बच्चे बहुत मजे में आजकल क्लासेस करते हैं, बहुत मजे में। आप उनको कितना भी समझा लो, आप उनको कितना भी पढ़ाने की कोशिश कर लो, एंड स्टूडेंट्स आर स्टिल कि आप लोग कम से कम इतने सिंसियर बच्चे हो जाते हो इस एज में आने के बाद कि आपको पता है कि अब हमें क्या करना है। ठीक है, अगर हमने यहाँ पे क्लास छोड़ी, ये टॉपिक हमने मिस किया तो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम है आगे चल के, क्योंकि फिर चीजें जो है ना वो गड़बड़ हो जाती हैं एक इस लेवल पे आके पढ़ाई करने में। ठीक है, जैसे आज आपने सोचा था हम इस चैप्टर का किसी भी एक, चलो एंथ्रोपोलॉजी का चैप्टर नंबर सेल कम्प्लीट करेंगे, बट नहीं हो पाया, तो अब क्या वो चीज कल पे चली जाएगी और कल का आपने कुछ और सोच रखा होगा। इस तरह से आप लोगों को प्रॉब्लम्स होती है जो स्टूडेंट रियली तैयारी करते हैं बहुत डेडिकेशन के साथ उन लोगों को। अब ये ट्वेल्थ क्लास के स्टूडेंट्स को कुछ नहीं करना होता, और वो गवर्नमेंट के हिसाब से बेचारों को वर्क ऑनलाइन क्लासेस करनी है जिसमें आधे बच्चे आते हैं मतलब ओनली फॉर अटेंडेंस। जैसे बच्चे स्कूल में आते हैं ना ओनली फॉर अटेंडेंस, वैसे ही वो ऑनलाइन क्लासेस में आते हैं ओनली फॉर अटेंडेंस, और उनकी अटेंडेंस हो गई। अब आप उनसे 50 क्वेश्चन पूछ लीजिए, वो आपको कोई आंसर नहीं करेंगे। ठीक है, एक सिंगल आंसर नहीं करेंगे, बट वो आपको क्लास में जरूर, मतलब क्लास में इन जो आपका अटेंडेंस शीट फॉर्म है, जो आप जब जिस भी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे उनकी क्लास ले रहे हैं
लाइक वेबएक्स हो गया या जो भी है गूगल मीट हो गया, जिस भी आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे उनकी क्लास ले रहे हैं, तो वहां पे वो बच्चे फिर बस आपको उनको नाम शो होता रहेगा बट उनकी आवाज और उनकी क्वेरीज कभी नहीं आपके सामने आएंगे। तो बच्चे आजकल के इतने स्मार्ट और इतने तेज हो गए हैं ना कि आप कुछ भी नहीं कर सकते ना, ना तो इनको पढ़ने का कोई क्रेज है और ना ही कुछ है। पढ़ने में तो भाई इतने शातिर बनेंगे ना अपना को, जैसे इनसे ज्यादा तो भाई दुनिया में किसी को कुछ नहीं आता, आता इन लोगों को घंटा कुछ भी नहीं है, बट वही वाली बात है। चलिए अपना वेबिनार तो कंप्लीट करते हैं एंड इलेक्ट्रिकल पॉलिटी कंप्लीट करेंगे। सिर्फ वेबिनार क्लासिफिकेशन जो है वो बच्चे हम लोग कल की क्लास में करेंगे, ठीक है। वेबिनार वेब एक्स कह सकते हो या मैक्स वेबर कह सकते हो, वेबिनार तो नहीं है, वेबर। ट्रीट द अथॉरिटी एज ए फॉर्म ऑफ पावर, अथॉरिटी को कैसे ट्रीट करता है, पावर की तरह ट्रीट करता है। ही वाज इंटरेस्टेड इन अंडरस्टैंडिंग अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस पीपल हैव बीन प्रिपेयर्ड टू एक्सेप्ट द एक्सरसाइज ऑफ द पावर ओवर देमसेल्फ एज दिस। व्हाई डू नॉट व्हाई डू हैव नॉट क्वेश्चंस इवन सम पीपल मेक डिसीजंस दैट अफेक्ट अवर लिव्स इवन इफ वी डू नॉट एग्री विद दोस डिसीजन व्हेन इफ यू अदर ट्राई टू वुड डिफाइनली आर्ग्यू एंड रिफ्यूज द कंप्लेन। अथॉरिटी इज सेंट्रल टू एनी गवर्नमेंट बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ द अलाइनिंग कॉम्प्लियंस द गवर्नमेंट आर ओनली एबल टू मेंटेन द ऑर्डर थ्रू आउट द यूज ऑफ द फियर एंड वायलेंस। अथॉरिटी इज मीन्स ऑफ द गेटिंग पीपल टू ऑबे विदाउट हैविंग इट सूट देम और आर्ग्यू विद देम और पुट एनी प्रेशर ऑन देम। इट इज इम्पॉर्टेंट टू नोट द इज नॉट अ अथॉरिटी, ठीक है। एंड इलेक्टोरल पॉलिटिकल्स इट इज अ डिफरेंट पार्टी फाइटिंग इज आउट एट द इलेक्शन टाइम, ठीक है। इज अ बेसिकली एक्सरसाइज पॉलिटिकल पार्टी एडवर्टाइज ऑर्गनाइज मीटिंग एक्सेट्रा इन द होप ऑफ द इन्फ्लुएंसिंग वोटर ऑन द इलेक्शन डे। दे आर्ग्यू एंड डिबेट एंड ट्राई शो दैट द वोटर विल बी बेटर ऑफ अंडर देयर रूल। Therefore, the party at the election time are not exercising authority. Voters need to do this because it is based upon the acknowledgement of the duty to obey that the exercise of the authority should be reflected in automatic and unquestioning obedience. Power किस पे based होती है? Ability पे to either reward or the punish another. Since it is based upon the threat of the force. ठीक है, when the government exercises authority, it is obey the rule and be peaceful. When the obit is not aligned or formed, the government is forced to comply there. This means the government does not rest on the authority alone. As we seen, if we ask a group of people, do you obey the rule because it is a right thing to do, or because you would go for this, a fair number of people would probably say the second. Political leadership never rests on the authority alone. The support the prime minister get in the cabinet reflect their ability to hire and fire the number of government. The obligation to live peacefully within the law without probably miss be impossible to achieve without the police and the court. There is still the threat of hope state of the nature in the background. अथॉरिटी क्या है, पावर है वॉज रियली टू फाइंड आउट द यूके रॉयल फैमिली जो द गुड एग्जाम्पल बट इज अ रिलीजियस फिंगर लाइक लेमा इवन लीडर ऑफ द टेररिस्ट ग्रुप कुड बी द एग्जाम्पल। ओसामा बिन लादेन हैड नो पॉलिटिकल पावर बट ही डिड इंस्पायर इन क्वेश्चनिंग एविडेंस फ्रॉम हंड्रेड और इवन थाउजेंड ऑफ पीपल हु वुड हैड नेवर एवन मीट। Power without authority is almost rare to find. This would suggest a maintenance of the political rule entirely through this and violence. Even in the case of the most major of the authority is extended, there is always some people who is a ideological commitment to this regime. Student, I hope कि आप लोगों को चीजें यहाँ तक clear हुई होंगी। अगर अभी भी आपको कोई इश्यूज हैं स्टूडेंट्स तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है। वही आपके पास एक सॉल्यूशन है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं वहां से आपके हर प्रॉब्लम का हर चीज का सॉल्यूशन का आंसर दूंगी आपको।
And please, students, like, share, and subscribe. ठीक है, इट्स इम्पॉर्टेंट ऑल दिस थिंग. आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा. आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी पॉलिटिकल रिलेटेड. अगर आपको कोई भी इशू है तो प्लीज सॉरी कोई भी इशू है तो आप मेरे को बता सकते हैं, मैं आपका प्रॉब्लम वहाँ पे सॉल्व करूंगी. थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दिस लेक्चर एंड दिस चैनल. आई होप ऑल आर गुड. चलिए मिलते हैं अब कल एक नए टॉपिक के साथ, एक नए लेक्चर के साथ. गुड बाय एंड सी यू.